तो निकालते हैं सीधा जय श्री गजानन। अगर बचाया तो 30 किलोमीटर खींचेंगे बाइक को, अगर उसका भी माउंट वगैरह लगा देते हैं। हमने का एंगल जो ऐसा आएगा अभी थोड़े दिन, एक्शन कैमरा का यही फायदा होता है कि बार बार लगाना नहीं पड़ता। ठीक है, इतनी सी थी क्या? और आज मेरे को लग रहा है कि अपना जो ब्लॉग है वो दो पार्ट में बनने वाला ब्लॉग बना रहे हो। यहाँ पर जगह जगह पर आज की छाई हुई है, दूर दूर तक कोई भी नहीं, हम दो ही है। सो हेलो एंड व्हाट्स अप लवली पीपल, दिस इज जीएसआर, वेलकम टू द आराधा फ्रेश व्लॉग। और गाइस कल का जो व्लॉग अगर आपने नहीं देखा तो आई बटन पे लिंक आ रहा है, देख लेना। कल अपन इंदौर आए थे और आज अपन जा रहे हैं बढ़िया सा मोटो व्लॉग करने, तो रेडी है अपन, मतलब मेरा एक्शन कैमरा भी रेडी है और भाई का भी मतलब माउंट वगैरह रेडी है। तो ये कुछ माउंट ऐसा कुछ लगेगा यहाँ पर जो कि आपको देखने को मिलेगा। ग्लव्स रेडी है, चश्मा वगैरह, बैग रेडी है, बोतल रेडी है, सब रेडी है और हम भी रेडी है। तो बस यार निकलते हैं सीधा और बाहर निकलते हैं, बाइक वगैरह को कॉल स्टार्ट करते हैं और फिर फटाफट से निकलते हैं। तो चलो ठीक है, मिलते हैं। ऑलराइट गाइस, तो बस पूरा रेडी हो गया, बस अब ग्लव्स वगैरह पहनना है और अपनी बाइक अपाची 160 अपनी डायमंड। तो बस अब निकलते हैं सीधे, और अभी तो बताया नहीं ना कहाँ जा रहे, तो बता कहाँ जा रहे भैया अपन? मानपुर में। और कहाँ जा रहे भाई, वो भी तो बता दे कि मैं ही बताऊँगा। चलो ठीक है, मैं ही बता देता हूँ। राइड करते तो कुछ बातें करने के लिए होनी चाहिए, और एक दिक्कत आएगी घड़ी के साथ, पर कुछ नहीं, साले ग्लव्स भी फट गए तेरे। तो निकालते हैं सीधा, जय श्री गजानन गणपति महाराज। आय हाय हाय, अभी चलते बढ़िया और आगे करते व्लॉग बनाएंगे। अभी यहाँ पर कुछ है भी नहीं, गली है यार, गलियों से बाहर निकलते उसके बाद व्लॉग बनाते। ऑलराइट गाइस, तो निकल चुके हैं अभी। तो मैं बता दूँ पहले कि अपन जा कहाँ रहे, तो पहले तो मानपुर जा रहे हैं रवि के खेत पर, और उसके बाद अपन जाने वाले हैं शीतला माता फॉल। तो मिलते हैं अभी, बस जस्ट कितने 2-3 सेकंड में जब भी अपने को टाइम मिलेगा व्लॉग करने का। वैसे सिटी में से निकल जाते हैं उसके बाद ही व्लॉग करते हैं, क्योंकि सिटी में कुछ है रहता नहीं है दिखाने को, बस आम जनता दिखाओ और अपनी बाइक दिखाओ। तो गोकुल चौराहे से अपन ने लेफ्ट ले लिया है और अब जाकर थोड़ी अच्छी रोड मिली है। बाकी मौसम थोड़ा, अगर मौसम की जानकारी दें, मौसम का थोड़ा हाल ऐसा है कि बारिश हो सकती है, क्योंकि अगर आप ऊपर देखेंगे तो ऊपर आसमान में बादल है और रवि भाई पीछे बैठे। भाई मजे आ रहे हैं, आज पहली बार रवि के साथ मैं व्लॉग कर रहा हूँ और पूरी तैयारी कर ली। वैसे गीला भी होने का कोई चांस नहीं है, फ़ोन और पर्स का है बस, वो उससे तो हम पन्नी में डाल देंगे। तो नॉर्मल चल रहा है, ज़्यादा नहीं है, 50-60 की स्पीड में चल रहा है, इंडिकेटर ऑन है, सॉरी इसके लिए। तो यही सब है यार, और मैं बार बार गियर चेक कर रहा हूँ, क्योंकि पहली बार अपाची चला रहा हूँ, मतलब पहली बार नहीं चला रहा हूँ, वहाँ पर भी चलाइए। ऑलराइट, तो अभी रवि तू ये व्लॉग पकड़, ग्लव्स पकड़ मतलब। तो अभी क्या सीन है कि यार बारिश है, उससे पहले रवि को भी व्लॉग बनाना है। तो क्या सीन है कि उसका भी माउंट वगैरह लगा देते हैं, ठीक है? हाँ बैठ गया। अरे बैठ गया भाई, ये तोड़ेगा क्या? तो अभी रवि और हम दोनों आधा आधा करने वाले हैं, मतलब आधे आधे एक गाड़ी को शेयर करने वाले हैं, मतलब दो व्लॉगर गाड़ी एक, यार क्या इंसाफी है। रवि भाई अगली बार ऐसे मत करियो। तो अभी बस निकले ही हैं और रास्ते में ही हैं, बाकी तो सब बढ़िया है। और यार गाइस, तो रवि भैया का व्लॉग हो चुका है और अभी अपन तो क्या है यार, पीछे भी व्लॉग कर सकते हैं, बट यार पीछे का जो व्यू है ना, अबे चला काट दूँ हाल सुनेगा। और अभी तो जल्दी जाना है, क्योंकि यार वहाँ पर पानी आ गया तो समझ में नहीं आ रहा है। तो अभी रवि भाई पूरा व्लॉग कर रहा है उसका, तो पीछे से मेरे को दिया कैमरा के पीछे से पूरा एंगल लेंगे अपन, बढ़िया एंगल से शूट करने वाले हैं। और सामने का एंगल जो ऐसा आएगा अभी थोड़े देर, फिर मैं बाइक ले लूँगा तो बढ़िया ही आएगा फिर। तो ठीक है यार, अभी डस्ट लग रहा है पीछे, उतारना मत सोले, गिर जाऊंगा मैं। और गाइस, तो यही एक प्रॉब्लम होती है, एक फ़ोन की वजह से शूट करने की वजह से, और एक एक्शन कैमरा का यही फ़ायदा होता है कि बार बार लगाना नहीं पड़ता, क्योंकि वो लाइट होता है और फ़ोन क्या बहुत हैवी हो जाता है। और मौसम का हाल बताया तो उसने धोखा दे दिया है, भयंकर गर्मी हो रही है और मतलब क्या ही बताऊँ मैं आपको, पसीना में हो गया पूरा चेहरा। और रवि भाई को बार बार रुक कर फ़ोन स्टार्ट करना, रोकना, बंद करना, ये सब पड़ रहा है, क्योंकि बार बार उतारना ही पड़ता है उसको यार। और अभी हम 20 किलोमीटर आ चुके हैं, अब इसके बाद मैं ले लूँगा बाइक। तो क्योंकि रवि का ब्लॉग बन गया, आधा बन गया उसका, तो उसने बोला कि वहाँ पे शूट कर लेंगे, ज़्यादा ही कुछ है नहीं तो मैं शूट करूँगा, बाकी सब बढ़िया है। और बस, और ज़्यादा मोटो ब्लॉग नहीं करेंगे, वहाँ पर भी शूट करना, बहुत से अच्छी अच्छी जगह है, तो 2-3 जगह जाएंगे बढ़िया से घूमने, हो सकेगा तो फिर पानी में वहाँ पर नदी में नहाएंगे भी सही। तो पूरी तैयारी के साथ जा रहा है आज तुम्हारा भाई, तो ठीक है अब आगे मिलते हैं अपन बाइक पर। ऑलराइट गाइस, तो अभी क्या सीन है कि अब मैं मेरे हाथ में आने वाली बाइक, और मैं सिन मैच ले लूँगा भाई के लिए, क्योंकि उसके लिए बहुत डिफिकल्ट हो रहा है फ़ोन की वजह। अभी वो व्लॉग ही कर रहा है भाई अपना, तो ठीक है अब ज़्यादा दूर नहीं है, 30 किलोमीटर बचा है तो 30 किलोमीटर खींचेंगे बाइक को। तो ठीक है, हाँ भाई चलते हैं ना। तो ठीक है भाई, सिनेमेटिक्स निकालेगा आप पीछे से भाई अपना, उसे बोल लेते हैं। तो ठीक है, अभी वो सिनेमेटिक्स निकालेगा, तब तक अपन के हाथ में बाइक ना।
थे यहाँ पर ट्रेन का आने का वेट कर रहे हैं, और आज आपको ट्रेन भी दिखाने वाले बढ़िया तरीके से। तो रवि भाई भी पीछे से सिनेमेटिक्स ले रहे हैं, अपन भी लेते हैं। अरे अरे रुक देवी, तो बढ़िया तरीके से सिनेमेटिक्स आने वाले आज ट्रेन के। ऑलराइट गाइस, तो अपना ब्लॉग में ट्रेन भी दिख जाएगी आज आपको। क्या सही जा रही है, ठीक है, इतनी सी थी क्या। चलिए अब अपनी बारी। गर्मी बहुत हो रही भैंस की आँख, खोलो रे, खोल दो भैया, हो खोल दो। क्या सीन हो गया बे। हाँ खोला खोला खोला। क्या बात कर रहा। नींद खुल गई अंकल जी की। पूछ पहले सो गए यार, या बंदे गर्मी में मर रहे हैं भाई। कुछ नहीं उनके ऊपर कुछ नहीं। हाँ क्या ठंडी ठंडी हवा नी भाई। उलट गए तो आर्मी एरिया में आ चुके अपन। और क्या भाई, सामने दिख गए, दर्शन हो गए। तो ये अपने आर्मी मैन देखो, क्या बंदूक है भाई। और आगे भी जा रहे बाइक पर। आइए इनकी बाइक दिखाते हैं आज आपको, एक आर्मी मैन की बाइक। अरे भाई ये क्या है, बिना इंडिकेटर के गलत बात ये तो सर। ये इनको इनको फाइन डालो। नहीं नहीं यार नहीं डालना भाई, मेरे को मैं कुछ नहीं बोल रहा था, वो खुद उनकी मर्जी, उनका इलाका भैया। काफ़ी अच्छा मतलब रहता है यार आर्मी, और आर्मी एरिया का यही एक रहता है कि मतलब कितना साफ़ सुथरा है। देखो एक बार मतलब कहीं गंदगी नहीं है, क्योंकि आर्मी की जो टुकड़ियाँ रहती है वो रोज़ डेली हमेशा है ना यहाँ पर क्या है कि साफ़ सफाई करती रहती है। और आज मेरे को लग रहा है कि अपना जो व्लॉग है वो दो पार्ट में बनने वाला है, क्योंकि और सामने से एक और निकली है बाइक। तो मैं बात कर रहा हूँ अपना व्लॉग है जो दो पार्ट में बनेगा, क्योंकि मैं बहुत कुछ शूट करने वाला हूँ आज। तो ठीक है, बने रहिएगा व्लॉग में। और गाइस हम यहाँ व्लॉग बना रहे हो, यहाँ पर जगह जगह पर आज की छाई हुई है। अरे बहन तो क्या कर तुम्हारा। भाई मज़ा आ रहा बे, कतई जहर। कारी बुलेट की यही प्रॉब्लम होती है गियर शिफ्टिंग की। और बता दूं यहाँ पर जो स्पीड है, स्पीड लिमिट वो है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की। उससे ज़्यादा अगर आपने बढ़ाई तो आर्मी वाले आएंगे पीछे, अपना आगे आएंगे, उनको तो पता है उनका इलाका, वो अपने आगे आएंगे बढ़िया तरीके से, अपनी सेवा करेंगे डंडों से, लातों से, जूतों से, सब से अपनी सेवा होगी बढ़िया तरीके से। और फिर पूछताछ करेंगे, यहाँ पुलिस जैसा काम नहीं, पहले पूछताछ करेंगे फिर सोचेंगे। ऑलराइट, तो मौसम वो फिर से वापस सुहाना हो गया है। और बस एक प्रॉब्लम है बस, कि अगर पानी आया तो मैं तो ब्लॉग बना लूँगा, बट रवि भाई ब्लॉग नहीं बना पाया, क्योंकि उसका जो मोटर ब्लॉगिंग का सिस्टम है वो पूरा फ़ोन पे चल रहा है अभी। तो अपना क्या, अपना तो वाटर प्रूफ केस के अंदर है बढ़िया, तो अपन तो ब्लॉग बना ही लेंगे, और उसके लिए भी फिर मेरे को ही कॉन्टेंट बनाना पड़ेगा। तो ठीक है यार, मिल बांट के कॉन्टेंट बनाएंगे और आप सभी तक पहुँचाएंगे। बस आप है ना चैनल पर सब्सक्राइब करो, नए हो तो लाइक करो और बढ़िया तरीके से, और बेल आइकन को तो दबा के ही रखियो, बाकी ब्लॉग बनाना हमारी जिम्मेदारी है ही सही। और क्या पहाड़ को देखो, कितना खूबसूरत लग रहा सामने वाला पहाड़। और जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हो खूबसूरत नज़ारे बहुत अच्छे आ रहे हो यहाँ पर। अच्छा माता रानी का मंदिर है, माता रानी की। ओ हो, क्या व्यू आया भैंस के आँख, मतलब देख कर आँखें ना मतलब ऐसी हो रही है कि कहाँ बैठे तो कितना अच्छा लग रहा है। और ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बाकी सब दूर व्यू भी देखो, वहाँ पर पानी भरा हुआ पूरा तालाब वगैरह, कहते ही मज़े आ रहे हैं। और मेरे को तो थोड़ा रोड पे भी ध्यान रखना पड़ेगा इसको ब्लॉक करने का। और गाइस अच्छा हुआ इस ब्लॉक को मैं दो पार्ट में बनाऊंगा, क्योंकि बहुत कुछ है यार दिखाने को, बहुत कुछ है। और रोड मतलब रोड का तो अभी हाई तुम मैं ले लूँ कभी मन हो क्या स्मूथ, मतलब बाइक में कुछ हो ही नहीं, डचके वगैरह कुछ लगी नहीं है। और रवि बता रहा आगे तो और जंगल एरिया आएगा, तो ब्लॉग अच्छा बनेगा, तो मैं सोच रहा हूँ कि चलो फटाफट से आप वहीं तक खींच लेते हैं। बाकी मतलब कई कहने मज़ेदार मौसम, वाह एक नंबर मौसम, कतई जहर हुई थी एक नंबर, सही नंबर ही हमारे देना। देखते ही देखते पहाड़ के इतने करीब आ गए ना, मेरा तो मन हो रहा है मतलब ट्रैक करने का, ऊपर चढ़ने का। ओके तो यहाँ पर रोक के थंबनेल निकालने थे, क्योंकि यार ब्लॉगर लाइफ है पूरा ही छुटिया, भैंस क्या ही थंबनेल लेगा, अगर ले लेंगे कुछ तो लेंगे, वहाँ पर लगा देता गाड़ी। तो यहाँ से शमशान भी है तो ठीक है, आगे से उतरेगी वो रोड जा रही वो, हाँ वहीं से चल लेते ना, यहाँ से कहाँ जाएंगे भाई। तो थंबनेल निकाल लेते फटाक से, और फिर मिलते हैं, और पहाड़ का भी नज़ारा थोड़ा फ़ोन से भी शूट कर लेते अपन। तो ठीक है चलते इधर,
ऊपर चल वो वहाँ वहाँ लगा लेता हूँ। तो ठीक है ये भाई पहले मेरे थंबनेल ले लियो। ठीक है मतलब क्या क्या करना पड़ता साला इसे लगा दूँ। राइट गाइस तो आए थे तालाब के साथ फोटो और थंबनेल निकालने के लिए पर तालाब में पानी नहीं भैंस के यहाँ क्या ही करें। तो ठीक है अभी थंबनेल वगैरह निकाल लेते हैं अच्छा बढ़िया वाला और दो तीन जगह और निकाल लेंगे और सिलेक्ट कर लेंगे बेस्ट वाला। तो अभी बाइक वगैरह को ऐसे लगा दी अपने हेलमेट वगैरह और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है भाई पानी आ जाएगा तो इतना दिक्कत नहीं आने वाली बाकी यार गर्मी बहुत आने वाला है पानी वैसे लग रहा है। हाँ बस कॉल आया इसके पास आने वाला है उसका बस बोल रहा आधे घंटे में निकल रहा हूँ घर से। बस अभी थंबनेल निकालते पहले रवि भाई का निकाल लेते फिर अपना निकाल लेंगे। और पहाड़ देखो क्या है सुंदर लग रहा मतलब ज़्यादा दिखेगा नहीं फ़ोन कितनी औकात है नहीं बाकी देख ही लो बस एक बार थोड़ा सा नज़ारा ऐसा। और यहाँ है पेड़ पौधे यहाँ बाइक है ये रवि है ये हेलमेट है वहाँ शमशान है यहाँ गाय बंदी और इधर से रोड है वहाँ जहाँ से हम निकलने वाले बाकी इधर भी एक पहाड़ है। ठीक है डन ऑलराइट गाइस तो फोटोशूट वगैरह हो गया है और इंस्टा के लिए भी रील वगैरह सब डाल दिए अब निकलते हैं सीधे अपने मंजिल की ओर। क्या ऑलराइट गाइस तो अब यहाँ से हाईवे कनेक्ट होने वाला है और ये उधर से भी आ सकता है पर 8 किलोमीटर लंबा पड़ता है हमने सोचा क्यों ना अच्छे बढ़िया तरीके से गाँव में से होकर आएंगे और अच्छा ही डिसीजन था हमारा क्योंकि यार ब्लॉग बनाने के लिए जो कंटेंट मिला वो बहुत ही सही मिल गया है क्योंकि यार पहाड़ वगैरह हाईवे तो अपन ने रोज़ ही आता है हाईवे तो अपने घर के साइड भी ये देखो क्या ही मज़ा आता है हाईवे में। तो हमने सोचा गाँव से चलते बढ़िया और रवि का भी ब्लॉग बन गया रवि हमेशा हाईवे आता है क्योंकि उसका काम रहता है क्योंकि उसे जल्दी पहुँचना होता है। आज अपन फ्री आए हैं बढ़िया तरीके से ब्लॉग बनाने के मूड से तो मैंने और जहाँ तक बात करें अपाची के परफॉर्मेंस का तो काफ़ी स्मूथ बाइक है और विक्टर से कंपेयर करें तो यार सिर्फ विक्टर में एक ही प्रॉब्लम है इसका गियर शिफ्टर बहुत हार्ड है और इसका जो गियर मतलब इससे स्मूथली लगता है ब्रेकिंग इसका मतलब टोटल अभी मैं पूरा तरीके से मतलब यूज़ हो गया हूँ बाइक से। तो ठीक है यार मतलब बड़े मज़े ही आ रहे बाइक को चलाने में और सीधा हाईवे है तो कहीं मतलब चलते रहते थे अभी कुछ है नहीं ज़्यादा दिखाने के लिए। तो ठीक है I see you dancing, I'm like, hola, 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 hola. With your move fancy, make me wanna hola, 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 hola. I got your attention, spending my moolah, 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 moolah. I'ma jump top and pack it, swola, 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 swola. पर और रवि भैया के खेत पर मुझे एक ही चीज़ देखनी थी कि ये जो सिस्टम होता है तालाब वाला तो यहाँ पर बाइक पार्क कर यहाँ पर बाइक लगाते हैं थंबनेल निकालने के लिए। रवि भाई भी शुरू हो गया अभी शुरू हो गया मैं स्पोर्ट्स शूज पहन के नहीं आऊँ ये चिकने वाले हैं। तो ये मेन मंदिर है ऑलराइट गाइस तो हमारा लंबा वाला कट चुका है मेरे झरना देखने से पहले पत्थर देखो आप मिल गया यहाँ थोड़ा हाथ मुँह धोते अच्छे बढ़िया तरीके से ऑलराइट गाइस तो यहाँ पर पूरा सामान दूर दूर तक कोई भी नहीं हम दो ही है उबलता खून नस में कामी शाबी मेरे वश में जिंदगी के इस सफर में मैं अकेला चलता जाऊंगा क्या रास कामयाबी का जो मंत्र तुमको जपना है सीखूंगा खुद भी तुमको